बनाते एक नई रेसिपी। सबसे पहले हम चलाएंगे गैस, थोड़ा तेल डालेंगे इसमें, तेल गर्म हो गया, डाल देंगे जीरा, एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, प्याज को भूनेंगे, प्याज भून गई है, अब डालेंगे इसमें थोड़ी सब्जी, एक शिमला मिर्च कटी हुई और आधा फूल गोभी छोटा बिल्कुल बारीक कटा हुआ और एक गाजर बिल्कुल बारीक कटी हुई, और सबको डाल देंगे इसमें, एक कटोरी मटर के दाने। अब सब्जी को पहले थोड़ा सा भूनेंगे, अब डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे। अब सबको अच्छी तरह से भूनेंगे सब्जियों के साथ में मसाले। अब गैस को धीमा कर दिया है और इसको ढक करके सब्जियों को हल्का सा पका लेंगे। अब देख लेते हैं सब्जी को, देखिए गल गई है, और इतनी गलानी, बहुत ज्यादा नहीं गलानी है हमें सब्जियां। अब डाल देंगे इसमें हम उबले आलू, चार उबले आलू है, उन्हें काट लिया है छील करके। नमक और डाल देंगे, आमचूर पाउडर डाल देंगे, काला नमक थोड़ा सा। अब सब्जियों को अच्छी तरह से हम मैश करेंगे, आलू को इसी में हम तोड़ लेंगे। अब डालेंगे हम हरा धनिया कटा हुआ, फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होगा उतनी देर में हम इसके लिए डो तैयार कर लेते हैं। हम लेंगे मैदा, तीन कप मैदा, नमक डालेंगे, दो चम्मच तेल डालेंगे, मिलाएंगे, अब हम पानी की सहायता से इसका लड्डू तैयार करेंगे। डो बन गया, अब इसको ढककर के रख देंगे हम 2 मिनट के लिए। बस हमने लिया है 2 चम्मच देसी घी, इसमें डाल देंगे हम मैदा, 2 बड़ी चम्मच मैदा, मिलाएंगे इसको, तैयार हो गया है, डो सेट हो गया अच्छे से। अब इसमें से हम लड्डू तोड़ लेंगे। हम इसकी इतनी बड़ी लोई तोड़ेंगे, हमने गोल कर लिए। अब हम एक लोई लेंगे और बाकी सब हम ढक देंगे। हम लेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा और इसको घुमा लेंगे। इसको हमने इतना बड़ा बेल लिया और देखिए पतला बेला है इसको हमने। अब इसी तरह से हम सारी लोई बेल लेंगे। हमने एक लिया बिली हुई, अब उस पर हम लगा देंगे जो हमने घोल बनाया था मैदा और देसी घी का।
अच्छी तरह से। आप चाहे तो चम्मच से लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सूखी मैदा। इसके ऊपर हम दूसरी बेली हुई लगा देंगे। फिर से इसके ऊपर हम घी और मैदा लगाएंगे। सूखी मैदा फिर से लगा देंगे बिल्कुल एक रोल। हमने चार बेली थी लोई और चारों को हमने एक के ऊपर उसी प्रकार से लगा दिया है। अब हम थोड़ी सी सूखी मैदा लेंगे और चारों को उठाएंगे। वो यहां भी लगाएंगे सूखी मैदा। अब हम चारों को एक बार फिर से बेलेंगे। अब हम क्या करेंगे, चाकू से इसी किनारे को हम काट लेंगे। हम इसको बीच में से काटेंगे। और इसको ऐसे काटेंगे। हमने मैदे और पानी का घोल बना लिया है। एक चम्मच मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके घोल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे। फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम फिलिंग को इतना भरेंगे। समय बढ़ेंगे। अब हम ऐसे लेंगे और इसमें लगाएंगे हम पहले थोड़ा सा घोल लेंगे मैदे का, और इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा मैदे का घोल। इसको ऐसे चिपका देंगे। अब हम इधर लेंगे और इसको ऐसे करके ऐसे चिपका देंगे। ऊपर थोड़ा सा घोल लगा देंगे ताकि चिपका रहे। अब हम इधर भी घोल लगा देंगे और इसको ऐसे चिपका देंगे, चारों तरफ चिपका देंगे।
एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया है और हल्का गरम तेल है, गैस को हमने बिल्कुल धीमा करा है। अब डाल देंगे इसमें हम इसको। हमने चारों पेटीज डाल दी हैं इसमें। अब इसको हम धीमी गैस पे ही सिकने देंगे। इसके ऊपर इस तरह से हम ऑयल डाल देंगे। अब हम इसको पलट देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम दोनों तरफ सेकेंगे। गैस को भी धीमा करा, गैस को तेज नहीं करेंगे बिल्कुल भी अभी। अब गैस को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम गैस पे इसको हम सेकेंगे। अब सिक गई है दोनों तरफ अच्छी तरह से, देखिए। अब इनको हम निकाल लेंगे। तैयार है हमारी वेजिटेबल पेटीज, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी बनी हुई है, गरम गरम है। इसको आप बनाइए और एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म। चलिए आपको हम दिखा रहे हैं काट के भी। बढ़िया फीलिंग है, बहुत टेस्टी बनी है ये, बहुत सॉफ्ट है, क्रिस्पी सी है बिल्कुल। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया अगर अभी तक, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।